नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं और आपने मोन्टाज में देखा, बिंदास में हम आज आपके सामने विषय लेकर आए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुंबई के पुलिस स्टेशन्स को, थानों को आदेश दिया है कि आपके थानों के अंदर अगर भगवान की मूर्ति लगी है तो आपकी खैर नहीं, उसको तुरंत हटाया जाए। और सरकार के इस आदेश के बाद, पुलिस कमिश्नर के इस आदेश के बाद लोगों में भावना है। छोटी मोटी खबरें तो आई क्योंकि मीडिया ऐसे खबरों को क्रिमिनल मानता है, लेकिन इस विषय पर कहीं बड़ी आवाज नहीं उठी है। इसलिए आज बिंदास बोल में हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आ रहे हैं। इस विषय पर क्या है आपका कहना, क्या आप इसको सही मानते हैं? आपने देखा कि मुंबई में जब गणेश उत्सव होता है, जब नवरात्र होते हैं, तो वहां पर पुलिस वाले माता की और गणेश जी की पूजा करते हैं, वहां अपने शस्त्र रखते हैं, शस्त्र अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन अब ये शायद सरकार को क्रिमिनल लग रहा है, ये करने से अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमान नाराज हो सकते हैं ऐसा लगता है, या फिर उनका कहना है जो कि पुलिस कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये ना लगे कि ये हिंदुओं के भर्ती यहां पर ज्यादा है, ये लोग ज्यादा है और हम पर अन्याय हो सकता है। अंग्रेजों ने भी ये नहीं कहा, यहां तक कि मुस्लिम बादशाहों ने यहां पर कई साल तक राज किया, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा। लेकिन अब ये सरकार कह रही है, मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कोई पूजा पाठ नहीं, ये अब यहां नहीं रुकेगा। ऐसा हो सकता है आगे में आने वाले समय में, 2 साल पहले हमने ये बात कही थी कि अगर सेक्युलरिज्म का ड्रामा शुरू हो गया तो कहां जाके रुकेगा पता नहीं, यहां तक कि घरों से भगवान की मूर्तियां भी जाएगी। अगर आप कंपनी चल, आज वैसे भी अगर बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां किसी भगवान के या धर्म सूचक नाम पर काम नाम नहीं रखती, अब समाज में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी खत्म किए जाए। इस विषय पर क्या है आपका कहना, क्या यह सही है, क्या यह गलत है? क्या सही है तो कैसे सही और गलत है तो कैसे गलत है? आप अपना पक्ष रख सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि देश में लोकतंत्र हो ना हो, बिंदास बोल में हम लोकतंत्र रखते हैं। आपको जो भी कहना है आप कॉल करके इस कार्यक्रम में अपनी बात को रख सकते हैं। आइए, आपकी सारी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। का बेतुका फरमान एक बार फिर से सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, अब मुंबई के थानों में भगवान की मूर्तियाँ और तस्वीरें नहीं रहेंगी, ना ही थाना परिसरों में पूजा पाठ होगी और ना ही उत्सव मनाए जाएंगे। पुलिस आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने सभी थानेदारों को मूर्तियाँ तस्वीरें हटाने के निर्देश दिए थे। इस काम के लिए तय समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन महानगर के कुल 92 थानों में से महज 20% थानों ने पुलिस आयुक्त के निर्देश का पालन किया है। पुलिस आयुक्त कार्यालय से 2 अप्रैल को जारी निर्देश पत्र में कहा गया था कि किसी भी सरकारी दफ्तर, विशेषकर पुलिस विभाग में किसी धर्म विशेष से जुड़ी तस्वीरें एवं मूर्तियां नहीं लगाई जानी चाहिए। पूजा पाठ व उत्सव भी नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। उन्हें ये लग सकता है कि धर्म विशेष में आस्था रखने वाला पुलिस विभाग उनके साथ न्याय नहीं कर सकता, इससे समाज में द्वेष की भावना पैदा हो सकती है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल सिंह के इस आदेश से कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुंबई पुलिस को पूजा पाठ करने की आज़ादी नहीं है? क्या इससे हिंदू धर्म के लोगों का आक्रोश नहीं बढ़ेगा? क्या ये संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है? ये अनुच्छेद किसी भी धर्म को समानता का अधिकार प्रदान करता है और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की पूर्ण आज़ादी भी प्रदान करता है। तो ऐसे में आखिर मुंबई पुलिस के आयुक्त किस आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मुंबई के पुलिस थानों में लगाए गए भगवान की मूर्तियाँ किसी धार्मिक संगठन की ओर से या किसी के दबाव में नहीं रखी गई, बल्कि खुद पुलिस थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से स्थापित की गई हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जो किसी भी व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाती है।
देश में ये कोई पहला वाक्या नहीं है जब इस तरह के आदेश जारी किए गए हों। ऐसी घटना को बार बार इसलिए भी दोहराया जा रहा है ताकि हिंदू धर्म को समाप्त किया जा सके। ये षड्यंत्र देश में धर्म निरपेक्षता की आड़ में राजनीति करने वाली पार्टियों के दबाव में भी किया जा रहा है ताकि इसे चुनाव में मुद्दा बनाकर अपने आप को सेकुलर साबित कर सके। भगवान की मूर्तियां सिर्फ महाराष्ट्र के पुलिस थानों में ही नहीं है, इस तरह के पूरे देश भर के थानों में भगवान की मूर्ति मौजूद है। तो क्या इसका मतलब देश भर के पुलिस थानों से भगवान की मूर्ति हटाना चाहिए? मगर अब तक महाराष्ट्र के अलावे किसी और राज्य के पुलिस आयुक्त की ओर से कभी भी कोई आपत्ति जारी नहीं की गई। तो फिर ऐसा मुंबई पुलिस आयुक्त क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब खुद मुंबई पुलिस आयुक्त को देना होगा। महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर के कई ऐसे पुलिस थाने हैं जहां पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी मौजूद हैं। तो क्या वहां के लोगों को न्याय नहीं मिलता है? पुलिस को धर्म निरपेक्ष दिखाने के लिए क्या उसे हटा देना चाहिए? इतना ही नहीं, देश में आज भी कई ऐसे पुलिस थाने खुद देवी देवताओं के स्थान पर बने हुए हैं जहां पर वहां के स्थानीय लोग नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। क्या उनके ऊपर पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खुद मुंबई पुलिस आयुक्त के बेतुके फरमान पर खड़े होने लगे हैं। तो क्या ऐसे में पुलिस थानों से भगवान की मूर्तियों को हटाना सही है? ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना होगा क्योंकि ये अति होता जा रहा है, अतिरेक होता जा रहा है और ये अगर नहीं रोका गया तो कल कहा जाएगा कि तुम्हारे नेम प्लेट पर, पुलिस वाले जो नेम प्लेट लगाते हैं उसके ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो धर्म सूचक होता हो। क्या ये सही है? कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। यस सर। बोलिए, क्या कहेंगे? सर, ये गलत है कि जहाँ से पुलिस स्टेशन है वहाँ से मूर्तियाँ हटाई जाती है। ऐसे तो क्या अदालत से गीता भी हटाई जाएगी? गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, क्या वो भी हटाई जाएगी? बिल्कुल। क्या कर रही है सरकार? बिल्कुल, धन्यवाद। कोर्ट में जब किसी की साक्ष्य ली जाती है तो कोर्ट के मैनुअल में है कि उसके सामने उसके सर्वोच्च आस्था के ग्रंथ को रखा जाए जिसके आधार पर वो झूठ नहीं बोलेगा, ये सहारा लिया जाता है। लेकिन अब क्या सरकार इसको हटाएगी? फिर हटाएगी तो किस आधार पर वो उसके आस्था का जो आज तक उपयोग करती आई है वो करेगी? अगले कॉलर के पास चले। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं गणेश गुप्ता करोलबाग दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, ये अघोषित पाकिस्तान है और इस्लामिस्तान बनाने की कयामत यहाँ पर हो रही है और ये जितने छदम हिंदू हुए इसमें ज्यादा दोषी हैं और हमारे जितने हिंदू संगठन है सब बुजदिल बने हुए हैं। अदरवाइज इस बात के ऊपर देश के अंदर भूचाल आ जाना चाहिए था और कोई किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वंदे मातरम। धन्यवाद। कहा है हिंदू संगठन, क्यों हिंदू संगठनों ने इस विषय पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है? और अब तक इस विषय पर तमाम जो सारे टीवी चैनल है, मीडिया है, उन्होंने क्यों नहीं इस मुद्दे को लोगों के सामने लाया है? यह आज का सवाल है। हम आपको कहेंगे कि आप एक कॉल हमको करिए, दूसरा कॉल आप आपके जिस भी चैनल को आप ज्यादा देखते उस चैनल को या न्यूज़पेपर को करिए और तीसरा कॉल आप मुंबई पुलिस कमिश्नर को करिए, उनको पूछिए कि आपने ये आदेश ऐसा दिया है ये, और इस विषय पर आप उनके साथ जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हम मुंबई पुलिस कमिश्नर का फोन नंबर, उनका फैक्स नंबर और उनका ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर चला रहे जिससे कि देशवासियों में इस विषय पर क्या भावना है ये उन तक पहुंच सके। कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं अमन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। तो मुंबई के पुलिस आयुक्त कार्यालय से महानगर के सभी पुलिस थानों को लिखित निर्देश भेजे गए थे, सभी थानों में लगी भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हटा दी जाएं और ना ही इनका पूजा पाठ व उत्सव मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से पुलिस थानों में आने वाली अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। पर साथ में ये क्यों नहीं देखा गया कि थाने में नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई और अगर कोई चाहे तो थाने में नमाज अदा कर सकता है, ऐसा क्यों? धन्य है सेकुलर। ईश्वर जाने क्या होगा इस देश का, आगे आगे देखिए क्या होता है। जब तक यह कांग्रेस सरकार रहेगी मुझे तो डर है कि कहीं मंदिरों से भगवान की मूर्तियां अन्य ना हट जाए, लेकिन 2014 में मोदी इन सबका पत्ता साफ करने आ रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार।
बोलिए क्या कहेंगे सर। मैं लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ, जब तक देश की कमान एक विदेशी के हाथ में है तब तक ऐसे ऑर्डर आते रहेंगे। कभी सिक्कों पे क्रॉस का निशान बनेगा, कहीं हैदराबाद में घंटी बजाने पे पाबंदी होगी। धन्यवाद। भगवान एक ऐसा आस्था का विषय है कि जिसके ऊपर अगर आस्था है तो ये लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत भले मेरे ऊपर अन्याय करे लेकिन ये मेरे से न्याय कर सकता है। ये भावना हर व्यक्ति में है तो उसके साथ आत्मविश्वास बना रहता है। पुलिस स्टेशनों में भगवान की मूर्तियां तो हटाई जा रही है, उनके फोटो हटाए जा रहे, उनके नामो निशान को हटाए जा रहे, लेकिन भ्रष्ट नेताओं के जो दीवार पर तस्वीरें लगी है वो लगी रहेगी। वहां का पुलिस वाला अगर सुधरना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है या अच्छा काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ अगर भगवान का स्मरण करके अच्छे राह पर चलेगा तो ये भगवान उसको प्रेरणा देगा। लेकिन अगर ये उसको प्रेरणा देता रहेगा तो हमसे कौन डरेगा, जिनकी दीवारों पर जिनके फोटो लगे हैं वही सर्वोच्च है, ये भावना उसके मन में जाए, कहीं ये तो आप संदेश नहीं देना चाहते, सवाल है। अगले कौन? नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं सतीश बोल रहा हूँ पर्पल से। हाँ, ये जो हमारे देश आता है विश्व में प्रेम व भाईचारा हो, मैं मानता हूँ कि वो जाति और धर्म बहुत बड़ा रोड़ा है हमारे देश में, और ये मेरे को अच्छी पहल लगती है। ये नहीं होना चाहिए, जाति धर्म सूचक कुछ भी चीज होनी नहीं चाहिए। चाहते आप? हेलो, हाँ जी, आप क्या ये मंदिर हटाने के पक्ष में हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, मंदिर मस्जिद सब हटाना चाहिए बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल, जब प्रेम भाईचारा जब ही बढ़ेगा, जब मंदिर मस्जिद सब हट जाएंगे, आपस में भाईचारा तभी रहेगा। लेकिन नमाज के ऊपर पाबंदी नहीं की है। हाँ जी, केवल मंदिर हटाने को कहा है। नहीं, केवल अभी एक आदमी ने कहा है ना, सारे देश को मिलके ऐसा पाबंदियां लगानी चाहिए हर मसले पे। धन्यवाद। इस कॉलर के ऊपर क्या आपका कहना है? ये कॉलर भी मुंबई पुलिस कमिश्नर की बात को दोहरा रहे हैं, इसके भी ऊपर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, डॉक्टर भारती बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ हाँ सर, ये जो साजिश है कांग्रेस गवर्नमेंट की साजिश है, सीधे सीधे और दूसरों के जरिए दूसरों के कंधों पे टोप रख के चला रहे गोलियां, और हिंदू समाज को कम हिंदू समाज को इस देश से मिटाने की साजिश चल रही है इस्लाम की। मैं ऐसे डायरेक्टली बोलता हूँ, क्योंकि नमाज के लिए लोग जा सकते हैं, रमजान के लिए जा सकते हैं, 5 बार नमाज के लिए जा सकते हैं, लेकिन मूर्ति अगर, और दूसरा एक, अगर ये मूर्तियां रखने से और फोटो रखने से कोई हिंदू को न्याय में कोई ये नहीं होता, जैसा उसका गुनाह है उसकी सजा वैसी मिलती है। बस हिंदू समाज को कम करने के लिए और हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए सब चल रहा है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। हम आपको बता दें कि किसी भी धर्म के खिलाफ प्रचार करना या उनके खिलाफ इस प्रकार से निगेटिव टिप्पणी करना किसी कॉलर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भेद फैलाने वाले यही चाहते हैं कि ऐसा हो, लोग ऐसा बोले, एक दूसरे के खिलाफ ये प्रतिक्रिया जाए। बल्कि इस विषय पर तमाम मुस्लिम संगठनों ने आगे आकर, क्रिश्चियन संगठनों ने आगे आकर ये कहना चाहिए कि सरकार का ये निर्णय गलत है, जो कि भाईचारे के लिए ज़्यादा अच्छी पहल हो सकती है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोलिए। गुजरात से बोलो। हमारे पुलिस तो बहुत ईमानदार है। हाँ, लेकिन हमारा नेता ने उसे बगाड़ दिया। हमारे गुजरात में ऐसी परिस्थिति है। वहां पर मंदिरों में लगाने देते हैं कि नहीं देते हैं? मंदिरों में तो मालूम नहीं, लेकिन पुलिस तो चार करोड़ पैसे की लूट में दमाई, चलिए जवाबदार तो नेता लोग। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये भाजपा नेता है और जो इंद्र सोनिया है, इनको भी सबको हटा दो, इनको हटाओ, इनको बोलो, पुलिस वालों को बोलो इनको हटाओ, इनको हटाओ, जो अच्छा लगे हमारे को भी अच्छा लगे, ठीक है ना? तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अब हटाने की, भगवान की मूर्ति हटाने को बोल रहे, भगवान की मूर्ति हटाने क्या, जब देश पे भारत पे बॉर्डर पे जब फौजी लड़ता है वो भगवान के नाम से लड़ता है, और वो बोलता है हाँ मेरे को बहुत संतुष्टि हुई है। बिल्कुल, धन्यवाद।
सीमा पर जो सैनिक होता है उसके लिए प्रेरणा स्थान, उसके लिए सुरक्षा का स्थान, उसके लिए सुरक्षा की शक्ति होती है भगवान। वहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं या कैसे हैं, इस आधार पर वो सैनिक काम नहीं करता है। कई बार तो उसको पसंदीदा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, उसने दिया हुआ जो वोट है वो भी उस प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं हो सकता। लेकिन तब वो जिस देश को, भारत माता को याद करके बलि जाने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार होता है, या हजारों की संख्या में बलाढ्य शत्रु जब सामने होता है तब भी लड़ने के लिए तैयार होता है, तो ये भगवान उसको आशीर्वाद देता है, ऐसा वो मानता है। और इसलिए हमारे आर्मी में भी ऐसे कई मंदिर और कई धार्मिक स्थान हैं, लेकिन सरकार अब शायद वहां पर भी उनको हटाएगी। अगले क्वालर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे। हेलो हेलो, नमस्ते सूरज जी, बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि बम्बई कमिश्नर ने जो आदेश दिया है मूर्ति हटाने का, तो किसी एक धर्म की आस्था दुबाने का हक उनको नहीं है सर। बिल्कुल। और किसी दूसरे को खुश करने का भी उनको हक नहीं है। ऐसे ये पुलिस कमिश्नर है, नेता है, ये लोग हमारे दो समुदाय के अंदर एक किराट डालना चाहते हैं सर, और देश को बांटने की कोशिश करते हैं सर। देश की जनता को ये कुछ नहीं पड़ा ही है उनको, वो तो बेफिक्र घूमती है, उनसे कुछ ये विवादों में नहीं पड़ती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ऐसा मुद्दा खड़ा कर देते हैं कि दो समुदाय के अंदर एक किरार पड़ जाए और हमारी वोट बैंक की एक अच्छी खुली बैंक बन जाए सर। तो इकबाल भाई ही, आपको ये मैं बता दूं कि किसी भी मुस्लिम संगठन में या क्रिश्चियन संगठन में या किसी भी संगठन में ऐसी कोई मांग नहीं की है, ऐसी कोई डिमांड नहीं है, ऐसी मूर्ति लगने पूजा का कोई विरोध नहीं हुआ है। ये सरकार ने अपना सो मोटो एक्शन लिया है। हाँ जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के मुस्लिम संगठन और हिंदू संगठन, इन दोनों को मिलकर इस देश के अंदर जितने भी खराब बोल बोलते हैं उनको एक तरफ हटा के और कुछ करना चाहिए सर, नहीं तो देश का भविष्य बहुत खतरे में पड़ जाएगा सर, और इस देश के अंदर आग लग जाएगी सर। ऐसे मुद्दों के ऊपर किसी के धर्म की मूर्ति हटाने के लिए लोग बोलते हैं, तो क्या मुसलमानों को कहना चाहिए आगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, कल तुम हमको भी हटा दोगे इस तरह से? इस तरीके से इनको बात करनी चाहिए सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ पुरंदर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। ये क्या हो रहा है, इससे तो देश का पतन हो जाएगा सर। यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। हमारे राजस्थान में राज्य सरकार ने ऐसा आदेश निकाला सर कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है अगर उनको आर्थिक सहायता चाहिए तो वो ये लिख कर दे रहे कि वो किसी संगठन से नहीं जुड़े, आरएसएस या वीएफ से नहीं जुड़े होने चाहिए। ये कैसे नियम है, ये कहाँ के नियम निकाल रही है कांग्रेस सरकार? बिल्कुल, चलिए वो तो फिर भी एक आप राजनीतिक खुली खुली दुश्मनी निकाल रहे हैं, वो तो राजनीतिक मुद्दा फिर भी लोग समझ सकते हैं। लेकिन क्या भगवान भी आपके लिए एक पार्टी बन गए हैं? क्या भगवान भी किसी एक दल के वोटर कार्ड बन गए हैं, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है? ये बड़ा सवाल है, क्या कारण है? हम आपको ये जो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए। मुंबई पुलिस आयुक्त की अपने आप को धर्म निरपेक्ष दिखाने की सनक। मुंबई पुलिस आयुक्त ने पुलिस थानों में पूजा करना और मूर्तियों को हटाने का जो फरमान लागू किया है वो केवल इस बात की ओर इंगित करता है कि पुलिस आयुक्त के मन में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की सनक घर कर गई है। वोट बैंक की राजनीति के तहत मूर्तियां हटाने का फरमान। जिन भगवान की पूजा करके पुलिस के जवान अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन करने का प्रण लेते हैं, आज उन्हीं भगवान की पूजा करने से मना किया जा रहा है। पुलिस पर नेताओं का दबाव। संविधान में कहा गया है कि कोई भी इंसान अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन आज पुलिस वालों को अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा नहीं करने दी जा रही है। ऐसे कोई न कोई ऊपरी दबाव भी पुलिस पर काम कर रहा है। पुलिस आयुक्त की तुगलक की सोच। जिस तरह से मोहम्मद तुगलक बिना सोचे समझे नए नए फरमान जारी करता था, उनमें कई ऐसे थे जो समाज में घोर अपराध का कारण बने। ऐसा कुछ मुंबई पुलिस आयुक्त ने भी किया है। हालांकि ये भी हो सकता है कि ये फरमान किसी के दबाव में लाया गया हो। कर्तव्य निष्ठा का अभाव भगवान की पूजा करने से रोकना। वैसे तो हम हर रोज देखते हैं कि पुलिस कितनी ईमानदारी से अपने कार्य को करती है, लेकिन जो पुलिस के जवान भगवान की पूजा करके अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन करने का प्रण लेते हैं वो भी अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।
आपने देखा कि सेकंड लास्ट जो कारण था उसमें जो पुलिस आयुक्त का फोटो है उनके पीछे भगवान का फोटो लगा हुआ है।